अब टॉप 50। नोटबंदी पर आज और कल संसद नहीं चलने देगा विपक्ष। 23 नवंबर को संसद परिसर में धरना देगी विपक्षी पार्टियां। विपक्ष की मांग, नियम 56 के तहत नोटबंदी पर संसद में हो बहस। दोनों सदनों में पीएम मोदी रहे मौजूद। विपक्षी दलों की साझा बैठक में बनी सरकार को घेरने की रणनीति। अगले महीने बड़े प्रदर्शन की तैयारी। नोटबंदी को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। पीएम मोदी के सदन में मौजूद रहने की कर रहे हैं मांग। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पूछा, नोटबंदी पर संसद में क्यों नहीं बोल रहे हैं पीएम। कहा, मोदी की नीतियां अमीरों के हित में और मिडिल क्लास के विरोध में। राज्यसभा में वित्त मंत्री जेटली ने कहा, नोटबंदी पर बहस से भाग रहा है विपक्ष, मुद्दे को भटकाने का आरोप। जेटली के बयान पर विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि हम बहस करना चाहते हैं, सरकार की मंशा पर शक है। नोटबंदी के खिलाफ संसद परिसर में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। सरकार से नोटबंदी का फैसला वापस लेने की मांग की। नोटबंदी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की ट्रांसफर पिटिशन। फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट या एक ही हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। कानपुर रेल हादसे में मारे गए यात्रियों को लोकसभा और राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। संसद ने हादसे पर जताया दुख। मायावती ने पीएम मोदी की आगरा रैली पर उठाए सवाल। कहा, इतना बड़ा हादसा हुआ, अच्छा होता अगर पीएम मौके पर जाते। कानपुर रेल हादसे पर आज लोकसभा सुरेश प्रभु ने लोकसभा में अब से कुछ देर पहले दिया बयान। कानपुर ट्रेन हादसे के 29 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। सेना, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। कानपुर रेल हादसे में मरने वालों की संख्या अब 142 पहुंच गई है। 200 से ज्यादा घायल जिनका अस्पताल में चल रहा है इलाज। यात्रियों को निकालने के बाद अब रूट को सुचारू बनाने की तैयारी में जुट गए हैं सभी। रेलवे के मुताबिक देर शाम तक शुरू हो जाएगी आवाजाही। एनडीआरएफ की 5 टीमों की मदद से रात भर और सुबह तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थानीय लोगों ने भी घायलों की मदद की। रेलवे ने जल्दी ऑपरेशन क्लीन पूरा होने की उम्मीद जताई है। हादसे वाले रूट को फिलहाल ट्रेनों की आवाजाही उस पर बंद कर दी गई है। रेलवे में सुरक्षा से खिलवाड़ पर जी मीडिया का खुलासा। 21 साल से लटका है रेल सुरक्षा से जुड़ा प्रोजेक्ट। 1996 में हुई थी टेक्नोलॉजी मिशन फॉर रेलवे सेफ्टी की शुरुआत। रेलवे में 2,00,000 से ज्यादा पद अभी खाली है। सुरक्षा से जुड़े 80,000 पदों पर भी होनी है भर्तियां। ट्रेन टिकट पर इंश्योरेंस कराने वालों को मिलेगा 10,00,000 का मुआवजा। रेल ने इसी साल शुरू की थी बीमा योजना। कानपुर रेल हादसे में मरने वालों में 23 लोग मध्य प्रदेश के, 10 लोगों के शवों को उनके घर वालों को सौंप दिया गया है। रेल हादसे में 2.5 साल की सृष्टि से छिना माँ बाप का साथ। बच्ची को अब भी मम्मी पापा का इंतजार है। अंबेडकर नगर की बच्ची को अब चाचा का सहारा। ट्रेन हादसे में भोपाल के युवक की मौत। बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था बिहार। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में सिवान की एक महिला की मौत हो गई है। हादसे में गई दोनों बेटियों की भी जान, पति गंभीर रूप से जख्मी। ट्रेन हादसे में गाजीपुर के दूल्हा सहित 5 लोगों की मौत। पूरे गांव में मातम पसर गया है। इंदौर के कारोबारी ब्रजमोहन दास की ट्रेन हादसे में मौत हो गई है। बेटी की हालत गंभीर है। शादी के लिए परिवार के साथ जा रहे थे बनारस। ट्रेन हादसे में पति ने छोड़ा पत्नी का साथ। ग्वालियर के राजेश्वर प्रजापति की मौत हो गई है। पत्नी को अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जाकिर नाइक के खिलाफ शिकंजा और कस गया है। ठिकानों पर छापेमारी के बाद वेबसाइट भी ब्लॉक कर दी गई। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में भारी गोलीबारी। सीमा पार से गोलीबारी में बीएसएफ का एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया है। भारत ने भी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के अलावा मेंढर और बालाकोट में भी सीमा पार से फायरिंग हो रही है। सभी सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अघोषित पैसे पर सरकार सख्त। दूसरों के अकाउंट में पैसा जमा करना महंगा पड़ेगा। दोनों पक्षों पर कार्रवाई होगी। जुर्माने के साथ साथ 7 साल की सजा भी हो सकती है। नोटबंदी के बाद कालेधन वालों पर शिकंजा। झारखंड के दुमका में 3 जगह छापेमारी में 93 लाख रुपए बरामद हुए हैं। राजकोट में पुलिस ने एक कार से बरामद किए 1,15,00,000 रुपए। पकड़े गए शख्स का दावा, एक्सचेंज के लिए ले जा रहे थे नोट। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 6 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का उद्घाटन बांगरमऊ में किया जाएगा। विवादित धर्म प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक के संगठन पर पाबंदी के बाद कसा कानूनी शिकंजा। स्पेशल ब्रांच की सिफारिश पर एफआईआर दर्ज हो गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हार्डकोर नक्सली ने एसपी के सामने सरेंडर कर लिया है। नक्सली मंगतू उर्फ दिवाकर 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश नक्सली था।
सतना के अमर पाटन में ट्रक ने ऑटो को कुचल दिया है। 6 लोगों की मौत हो गई है, 6 घायल है। गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी जोड़ी की पिटाई हुई है, लोगों ने डंडों और लात घूसों से मारा है। गुजरात के पोरबंदर तट पर मछुआरों की बोट में आग लग गई, कोस्ट गार्ड ने 4 लोगों की जान बचाई। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग चीन के 4 दिवसीय दौरे पर है, सहयोग के लिए शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। मोसुल को ISIS से आजाद कराने की लड़ाई और तेज हो गई है, इराकी सेना के लिए अमेरिका ने भेजे 4 और F-16 फाइटर जेट्स। मोसुल से उखड़ते पांव से घबराया IS, पाकिस्तान की तरफ बढ़ा रहा है कदम, आतंकी संगठनों से मिलाया हाथ, कर रहा है लड़ाकों की भर्ती। चीन में सफेद आफत का कहर है, घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं लोग। मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने जारी किया है ब्लू अलर्ट, आने वाले कुछ वक्त तक भारी बर्फबारी का अनुमान। सिडनी के तिरंगो जू में दुर्लभ प्रजाति के जीव इकिडाना ने किया 3 बच्चों को दिया जन्म, 30 साल में पहली बार किसी इकिडाना ने दिया है जू में बच्चों को जन्म। चीन के यूनान प्रोविंस में जू में लाए गए 2 पांडा नए मेहमानों को देखने के लिए, दोगुनी हो गई है पर्यटकों की संख्या। गीता फोगाट की शादी में भिवानी पहुंचे आमिर खान, गीता को शादी का जोड़ा गिफ्ट किया। पणजी में 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई, 88 देशों की 194 फिल्मों का होगा प्रदर्शन, 28 नवम्बर तक चलेगा समारोह।